नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जेट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने जाना था, बेसिक पढ़ा था। लेकिन आज हम उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यवस्था से, देखिए दोस्तों, यदि आपको पहला क्वेश्चन दिया इस तरीके से, यदि आपको क्वेश्चन दे देते हैं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया और इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिया क्या है, सी और डी का क्या दिया है, साम्य में सांद्रता कितना दिया है, 0.8 मोल पर लीटर। कितना दिया है, सी और डी का साम्य में सांद्रता 0.8 मोल पर लीटर आपको दिया है और पूछा क्या है कि सी की वैल्यू आपको बताना है। तो दोस्तों, मैंने पहले आपको, इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन दे दिया रहता है और साम्य में सांद्रता दिया रहता है और केसी की वैल्यू पूछा, तब क्या करेंगे, तब हमको कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी जो रिएक्शन दिया है, जो रिएक्टेंट अभिकारक है, अभी रिएक्टेंट अभिकारक क्या है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब की कंडीशन में क्या करते हैं, उसके मोल को एक मान लिए, जो ए का मोल एक, बी का मोल एक। कब की कंडीशन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब की कंडीशन। इस समय क्या है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, अभी क्या है, प्रोडक्ट बना नहीं है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, मान लेते हैं सी प्लस डी नाम का कोई प्रोडक्ट बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम प्रारंभिक मोल कहते हैं। और जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो हमको क्या दिया है, साम्य में सांद्रता हमको पहले से दे दिया है, मतलब जो प्रोडक्ट कितना बना वो दे दिया है, कितना बना 0.8 मोल कितना प्रोडक्ट बना है सी और डी का। लेकिन ए और बी से कितना मोल का ये बना है ये तो दे दिया, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं से हम माइनस कर लेते हैं 0.8, यहां से 1 माइनस 0.8। तो जब इसको घटा दिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 0.8, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्य में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, साम्य में सांद्रता। और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पूछा क्या है, केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो रिएक्शन दिया रहता है उस रिएक्शन से निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में उसको नीचे और राइट साइड में ऊपर क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं लेफ्ट साइड को और राइट साइड को ऊपर कर लेते हैं। और जैसे ऊपर कर लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से सी और डी की वैल्यू क्या है, 0.8 × 0.8, ए और बी की वैल्यू 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लिए, 2, 4, 2, 4, तो यहां से कितना आ गया, 4 × 4 कितना आ गया दोस्तों, 16। यही आपको पूछा है, केसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके से केपी और केसी की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दिया रहा है उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम का। यदि अगला क्वेश्चन आपको पूछा, एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, यहां भी आपको क्या दिया है, एक केमिकल रिएक्शन दिया है, देखते हैं उस केमिकल रिएक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। देखना, एक केमिकल रिएक्शन दिया है आपको, क्या दिया है आपको, एक केमिकल रिएक्शन में दिया है एक, देखिए 2A क्या दिया है आपको, 2A गिव्स 3C प्लस डी, ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। और आपको पूछा क्या है, केसी की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, केसी की वैल्यू पूछा है। जब भी आपको ये चीज दिया रहे सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन में दिया क्या है, तो ऑप्शन में हमको दिया है KPRT, क्या दिया है, KP/RT, तो हमको समझ में आ गया KP/RT पूछा, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, रिलेशन ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। और हमको KP और KC का रिलेशन हमको पता है अच्छे से, कैसे निकालते हैं, देखिए KP = KC RT/ln, ये क्या होता है, KP और KC का रिलेशन होता है। अब क्या करेंगे, यहां से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको ln की वैल्यू निकालना है। तो ln की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं, लेकिन राइट साइड में एक सॉलिड भी है और सॉलिड को नहीं लेते, क्यों, क्योंकि उसका जो एक्टिव मास होता है लगभग 0 के बराबर होता है, अर्थात उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता में कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, यहां पर हम 3 − 2 = 1, डेलिन की वैल्यू कितना आ गया, 1, तो हम क्या कर लिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, KC/RT 1 है, मतलब कुछ नहीं, हमको निकालना क्या है, KC निकालना है, तो KC ये हो गया KP/RT, यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही आपको पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, KP और KC के वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई दे दिया डिजिट दे दिया,
या पर न्यूमेरिकल दे दिया, तब भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यदि दिया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन दे दिया है, एक केमिकल रिएक्शन में दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड को H2O पानी से रिएक्ट करा दिए, क्या करा है, पानी से जब क्रिया करा देते हैं तो क्या मिलता है हमको, किसमें टूट जाता है ये, H3O+ में टूटा और CH3COO- में टूट जाता है, किसमें टूट गया है, जब एसिटिक एसिड को H2O से रिएक्ट कराते हैं H3O+ और CH3OO- में टूट जाता है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है सामिश्रांक के की वैल्यू आपको बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, तो मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड को नीचे राइट साइड को ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है CH3COOH ये, और क्या गया H2O, ऊपर भी क्या गया H3O+ और क्या गया CH3CO-। तो ये हमारा क्या हो गया K की वैल्यू, सॉरी K बस को आपको पूछा है, तो K की वैल्यू है सामिश्रांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जो ऑप्शन मिलेगा उसको हमको क्लिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम से। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यदि पूछा आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया, एक केमिकल रिएक्शन दिया 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो H2 और I2 में बदल जाता है, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है हमारा अब क्या है प्रोडक्ट है, और आपको दिया है क्या दिया सामिश्रांक, इसका सामिश्रांक 0.25, इसका सामिश्रांक 0.25। दूसरा रिएक्शन दिया है आपको H2+I2, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो 2HI मिलता है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछा है, मान लेते हैं इसको K1 मान लेते हैं, इसको हम K2 मान लेते हैं और K2 की वैल्यू आपको पूछा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जब भी दो रिएक्शन दिया रहता है, दो केमिकल इक्वेशन दिया रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या दोनों उल्टा सीधा तो नहीं है, तो दिख रहा है हमको दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो क्या होता है K1 × K2 = 1 के बराबर होता है, क्या होता है K1 × K2 = 1 के बराबर होता है। निकालना क्या है K2 की वैल्यू, निकालना क्या है K2 की वैल्यू निकालना है, तो K1 को क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल कर लिए, तो K2 की वैल्यू K1 की 0.25 क्या कर लिए पॉइंट को ऊपर ले गए, तो क्या हो गया 100/25 क्या हो गया 4 K2 की वैल्यू, यही आपको पूछा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहे तो आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन जब आपका बेसिक नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, आपको पता होना चाहिए कि कब सीधा रहेगा कब उल्टा रहेगा कब हाफ रहेगा, तो क्या यूज करना है कौन सी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया यदि आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, अगला क्वेश्चन दिया आपको यदि देखिए 3A+2B क्या दिया है, 3A+2B गिव्स C आपको दिया है, क्या बताना है आपको सामिश्रांक हेतु व्यंजक, सामिश्रांक के लिए व्यंजक बताना है, कुछ नहीं इसमें व्यंजक बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, तो क्या हो जाएगा K की वैल्यू नीचे इसको, तो क्या कर देंगे A^3। ये 3 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता 3 है और 3 को उसकी कंसंट्रेशन को हमेशा पावर में लिखा जाता है, ये B^2 क्या है C, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यदि आपको पूछा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यदि दिया आपको Na, देखिए NO 2NO, अगला क्वेश्चन दिया 2NO जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्या कर रहा क्लोरीन से, देखिए ये भी गैस दिया आपको और ये भी गैस दिया, गिब्स क्या बन रहा है आपको 2NOCl, 2NOCl2 बन रहा है, सॉरी 2, ठीक है, ये बरस Cl बन रहा है, 2NOCl बन रहा है, तो आपको सामिश्रांक हेतु सही व्यंजक बताना है, यहां भी कुछ नहीं है, क्या है K की वैल्यू के आपको बताना है, क्या बताना है नीचे कर देंगे इसको हम ऊपर, देखिए ये की भी क्या है एक गैस है, तो क्या कर लेंगे K0 की पावर 2 × Cl2,
ऊपर में क्या आ जाएगा, NOCl की पावर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि अगला क्वेश्चन यदि आपसे आपको पूछा तब क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, एक रिएक्शन दे दिया आपको, एक केमिकल रिएक्शन दिया, क्या N2 plus O2 को जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिला, 2NO मिला, क्या मिला, 2NO मिला, और इसका सामिश्रांक को आपको K1 दे दिया, है ना। दूसरा इक्वेशन दिया आपको, दूसरा केमिकल रिएक्शन दिया, N2 क्या दिया, N2 plus O2 हाफ N2 plus हाफ O2 रिएक्ट जब कराते हैं तो आपको क्या मिला, NO मिला, तो इसको दिया K2, और इसी की वैल्यू आपको पूछा हुआ है, K2 की वैल्यू आपको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब भी दूसरा रिएक्शन हाफ रहा तब क्या करेंगे, दूसरा रिएक्शन जब हाफ रहेगा तब क्या करेंगे दोस्तों, पहला क्या है K1, दूसरा क्या है K2, लेकिन K2 को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, किसके बराबर है, 1 के बराबर। देन आपको पूछा क्या है, K2 आपको पूछा है, तो K1 किसके बराबर, K2 का स्क्वायर, दोनों में क्या कर ले, स्क्वायर, तो K1 अंडर रूट ऑफ K1 इज इक्वल टू K2, और यही आपको पूछा हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगा, K2 की वैल्यू रूट ऑफ K1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अगला क्वेश्चन दिया आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको पहचानना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई रिएक्शन दिया रहता है, केमिकल रिएक्शन में आपको पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, और कौन इसमें से उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, वहां उसको पहचान के बताना है कि वो अनुत्क्रमणीय है या फिर उत्क्रमणीय है। यदि आपको दिया Na, सोडियम को जब हम पानी से रिएक्ट कराते हैं, टू एनए को जब हम पानी से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, 2NaOH और हाइड्रोजन। तो आपको क्वेश्चन पूछा क्या ये इरिवर्सिबल है या फिर रिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणी है या फिर उत्क्रमणी है। तो दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास सोडियम है, देखना सोडियम में जब हम पानी मिला देते हैं सोडियम के टुकड़े को तो ब्लास्ट हो जाता है, आवाज आता है। तो जब हम सोडियम को पानी मिला देते हैं तो NaOH बनता है, क्या बनता है, NaOH, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर से तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, फिर से जब रिएक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। मतलब क्या हो गया, ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है Na और H2O को रिएक्ट कराया तो ये मिल गया, लेकिन इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो फिर से यही चीज नहीं मिलता, इसलिए क्या हो जाता है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन दिया यदि आपको, देखिए दूसरा रिएक्शन आपको दे दिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसको क्रिएट कराते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये भी एक्वस है। जब इसको रिएक्ट करा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड, और क्या मिल जाता है यहां से, सॉरी HNO3 मिल जाता है, ये भी एक्वस है। तो यहां पर आपको पूछा कि ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो ये चीज मिलता है, लेकिन जब इसको बंद पात्र में कराते हैं तो ये जो सॉलिड होता है एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड क्या है, इसके तली में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, और ये PPT के फॉर्म में मिलता है, इसलिए क्या होता है, नीचे बैठ गया। तो नीचे बैठने के बाद इसको फिर से रिएक्ट नहीं हो पाता, इसलिए क्या हो जाता है, ये इरिवर्सिबल हो जाता है। ये भी क्या है, एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि ये नीचे बैठ गया, मतलब वो चीज तो है ही नहीं, फिर से रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा इक्वेशन दिया आपको, तीसरा दिया यदि कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये आपको पूछा, सपोज ये किसमें है, एक बंद पात्र में, कहां पर है, ये बंद पात्र में रिएक्ट करा रहे हैं, क्लोज चेंबर में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। जब क्लोज चेंबर में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और ये बंद पात्र में, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वही है। जब वहीं पर है, देखिए यदि ये ले लेते हैं, और इसमें क्या किया,
ये है CaO है और CO2 है, दोनों है, फिर से ये भगा ही नहीं है, मतलब ये क्या है, बंद पात्र है, तो फिर से ये क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है और बार 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 क्या होता है, रिएक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक रिवर्सिबल है, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि वो बंद पात्र में है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से गया नहीं और वो फिर से रिएक्ट हो जाता है। चौथा देखते हैं, चौथा रिएक्शन, यदि इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब ये क्या है, खुला पात्र में, अब क्या है, ये खुला है, ये चेंबर खुला हुआ है, तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब खुला है तो रिएक्ट होता है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जब ये खुला पात्र में होता है, ओपन चेंबर में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो कैल्शियम ऑक्साइड ही बचा, और कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से रिएक्ट कराते हैं तो ये चीज तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला रिएक्शन दिया और आपको पूछा कि इनमें से क्या रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। यदि आपको दिया H2 और O2, H2O2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, H2 और O2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों, पानी मिलता है ना, पानी मिलता है। देखिए, हमने H2 और O2 को रिएक्ट करा है तो पानी मिला, लेकिन ये जो पानी मिला क्या है, इसी पानी को फिर से रिएक्ट कराया तो ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हम पानी को फिर से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब कब की कंडीशन देखना, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, फिर से रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमको इसको हीट दे दिए, उष्मा दे दिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर दिए, और उसको उबाल दिए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, पानी। कब की कंडीशन में, जब उसको ताप दे देते हैं या फिर हीट उष्मा दे देते हैं, तब की कंडीशन। मतलब आप समझ सकते हो कि जब हम पानी को हीट दिए, उष्मा दिए, ताप दिए, एक्स्ट्रा ताप दिए, तब क्या होता है वो, तब वो हो जाता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तब की कंडीशन में क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया है। कभी कंडीशन में, जब नॉर्मल टेम्परेचर में है, तब की कंडीशन में। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। छठवां रिएक्शन देखते हैं इसी टाइप का, देखिए इसी टाइप का छठवां रिएक्शन, N2 और H2 को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या मिला, HN3, अमोनिया मिल जाता है। देखिए यहां से हम 2, ये हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी को हम क्या कहते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की, इसको हैबर विधि कहते हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमको अमोनिया मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, हमको अमोनिया मिलता है। ये कब की कंडीशन में, जब हमने क्लोज चेंबर में इस चीज को रिएक्ट कराते हैं तो ये अमोनिया फिर से रिएक्ट हो जाता है, ये अमोनिया फिर से रिएक्ट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन से फिर से रिएक्ट कराके फिर से क्या बन जाता है, वो वही अमोनिया बन जाता है, जिसको अमोनिया बनाने की हैबर विधि कहते हैं। ये क्या होता है, बार बार वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं इसी और लिख लेते हैं यहां पर, देखिए अगला रिएक्शन देखते हैं, ये आपको पहचानने आना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपको, हाइड्रोजन और आयोडीन को जब रिएक्ट कराए तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, क्या बना, हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या करा है रिएक्ट, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बन जाता है, तो होता क्या है, ये रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है। तो क्या होता है दोस्तों, जब इसको रिएक्ट कराए तो ये बन गया, और इसको फिर से रिएक्ट कराते हैं तो वही चीज हमको मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगला देखते हैं, अगला रिएक्शन दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया किसकी प्रेजेंस में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिला है कैल्शियम क्लोराइड, क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिला, और पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिलीज हो जाता है, बाहर चला गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है तो इस दोनों को ही रिएक्ट कराते हैं तो ये चीज नहीं मिल पाता, इसको रिएक्ट कराए तो ये चीज मिल गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो गया, बाहर चला गया। मतलब ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाता है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, एक और, यदि और रिएक्शन दिया आपको,
एक रिएक्शन यदि और दे देते हैं, आपको दिया सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। इस एक्वस सॉल्यूशन से हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करा देते हैं, तो मिलता क्या है? मिला क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या मिला? सोडियम नाइट्रेट और AgCl, सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है। ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। तो क्या हुआ यहां पर? जब एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज मिल जाता है, फिर वही कंडीशन है, ये जो सॉलिड है इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो गया? नीचे तली में बैठ गया। ये सॉलिड जो है नीचे तली में बैठ गया और फिर से जो रिएक्ट नहीं हो पाया, इसलिए क्या हो जाता है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो रिएक्शन दिए रहता है उस रिएक्शन में आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है और कौन इरिवर्सिबल है, कौन सा अनुत्क्रमणीय है और कौन सा उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, रासायनिक साम्यवस्था है, वहां से हमने बेसिक पढ़ा है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।